हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों से बचाए, आमीन। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, उनके मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा लेट ही मैंने छुट्टी दी है। तो अभी जो है मैं उनको मगरब टाइम छुट्टी दी है, तो उसके बाद ही मैंने जो है ना हंडिया चढ़ा ली थी और फ़ोन जो है ना कॉल आ गई थी, तो इसलिए जो है मैं पहले रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं बना रही हूँ यहाँ पर कीमा, मटर और आलू, मतलब मिक्स तीनों चीज़ें करके ना वो बना रही हूँ। और वैसे ही बनाया जैसे मसाला भून के ना, लेकिन मैंने कीमे को जैसे ही प्याज फ्राई हुए थे तो उसमें ब्राउन हुए थे तो उसमें कीमा डाल दिया था और अच्छी तरह से उसको भून लिया मसाले वगैरह डाल के। और अभी जो है ना ये मटर और आलू डाल के जो इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट कर लिया है। आज मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, पता नहीं क्या बात है। ऐसे ना मौसम चेंज है या इस वजह से ऐसे फ्लू फ्लू सा लग रहा है, लेकिन इतना खास है भी नहीं। तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पर चल रहा है जी नाश्ता। खाना खा के मैं शाम को सो गई थी ड्रामा वगैरह देख के, तो अभी जो है नाश्ता चल रहा है। नानी अम्मा साथ साथ रोटियाँ बना रहे हैं और साथ साथ मैं नानी अम्मा से कह रही हूँ के साथ है ना अंडे में ही ना साग भी हम मिक्स कर लेंगे, तो वो कहते हैं ठीक है साग बड़ा हुआ तो मिक्स कर लो। साग हमें अम्मी के घर से आया था, क्योंकि हम जो है ना मैं और मेरी नानी होते हैं तो हम साग नहीं बनाते, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमने इतना तो खाना नहीं होता, तो इसलिए अम्मी के घर से ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है ना अंडे में ही साग भी मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा ही साग बचा हुआ है, कुछ जो है ना मैंने पहले खा लिया था और कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन साग बहुत मज़े का है, मे भी मैं और मंगवा लूँ उनसे। तो तबीयत रात से ही मेरी जो है ना ऐसे फ्लू सा थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मुसीबत है, कब ठीक होगा। और नानी अम्मा कह रहे हैं जल्दी सालन गर्म करो, क्योंकि रोटियां जो है ना उन्होंने बना रही हैं और साथ मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि नाश्ता जो है ना उसमें थोड़ा मज़ा आ जाएगा फिर। और तबीयत ठीक नहीं है तो मूड को फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी मैं यहाँ पे। तो आज मैंने ना नाश्ते के बाद चाय नहीं पी थी, मैंने सोचा कि काफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि फ्लू है शायद सर्दी की वजह से, तो काफ़ी चूँकि चाय थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है तो इसलिए। और इसका ये है ना जब कप उल्टाएं तो वो ना गिरे, तो इसका मतलब होता है कि ये रेडी है। और मैंने इसको इतनी फेंटियां लगाई ये सेट हो गई, एक जगह पे गिर ही नहीं रही और इसने गिरना भी नहीं है। और मैंने काफ़ी 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे मुसलसल ऐसा करने से, अब तो मेरे हाथ ही थक चुके हैं। तो मैंने सोचा कि जो है ना काफ़ी बना लेती हूँ और ये पी लेती हूँ, और इसको करते हैं जी मिक्स मिक्स मिक्स। तो मैंने सोचा कि धूप में बैठ के ना इंजॉय करती हूँ इसको, फिर मुझे कपड़े भी स्टिच करने हैं। और आज मूड जो है ना वो मेरा ज़रा भी अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों, रात से ऐसे ना जैसे ठंड लगी हुई है, बच्चों के साथ बैठी रही हूँ बाहर और जर्सी मैंने नहीं पहनी हुई थी, तो इसलिए मैं बहुत ही केयरलेस हूँ इस मामले में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि स्टिचिंग कर लूँ, मैं अपनी बहन का सूट स्टिच कर रही हूँ और इसकी मैं ना जो है ना आपके साथ नहीं शेयर कर सकूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, उसने आज चले जाना है, तो जो है ना लाइट भी नहीं है, तो मैंने UPS पे ये मशीन तो लगा लिया है, तो इसलिए वो कहते हैं मैं घर जाके ना अपने ससुराल जाके वो कर लूँगी और तुम जो है मुझे जल्दी जल्दी से स्टिच कर दो, तो मैं उसको स्टिच करके यहाँ पर दे रही हूँ, इसीलिए मैंने इतनी स्पीडें पकड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो ना कपड़े वगैरह तो मैंने स्टिच कर लिए थे, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरी वॉमिटिंग ही नहीं रुक रही थी, हैवी नाश्ता भी थोड़ा सा कर लिया था, साग वगैरह शायद खा लिया था इसलिए। तो है मैं मेडिसिन लेके आई थी और जो है ना मुझे इंजेक्शन भी लगा था, मुझे इंजेक्शन से थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन आज जो है ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैंने कहा बस जल्दी से लगा लो। तो मैं यहाँ पर आधा घंटा आके वहाँ से, तो ऐसे इंजेक्शन की वजह से ना नींद आई हुई थी तो सो गई थी बिस्तर वगैरह जो है ना सेट करके, तो अभी उठी हूँ, तो सोई तो नहीं थी हैर ऐसे ना मतलब मदहोशी सी हो गई थी, तो अभी मैं उठी हूँ और उठ के अपनी मेडिसिन ले रही हूँ और इसके बाद कुछ ना लाइट सा अपने लिए बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि ना कुछ भी मेरे पेट में इस वक्त नहीं है। तो खाली पेट वाली डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी तो वो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, हालांकि मैं तो मतलब खाना खाने के बाद फ़ौरन से बैठती भी नहीं हूँ, चलती रहती, तो आप ऐनक शनक पहनते और अपने लिए खिचड़ी टाइप कुछ बना लेती हूँ। और खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक छोटा सा प्याज लिया है, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं करना, और एक दो सब्ज़ मिर्चें ली हैं बिल्कुल बारीक, और अदरक लहसुन थोड़ा सा और थोड़ा सा ही सब्ज़ धनिया लिया है,
और मैंने जो काली मिर्चियाँ वो पीसी हुई नहीं थी तो मैंने उनको मोटा मोटा क्रश कर लिया, वो दोरी डंडा होता है ना हवन दस्ता, उसमें। और नमक लिया है थोड़ा सा, हाफ टेबल स्पून लिया होगा, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया, और थोड़ा सा बिल्कुल मैंने ऑयल डाला है क्योंकि मैं इसको ना लाइट सा बनाना चाहती हूँ। और नानी अम्मा भी कह रहे हैं कि जो है ना लाइट सी बनाना, और गली गली जैसे खिचड़ी होती है ना ऐसे, जैसे राइस होते हैं ऐसे ना बनाना, क्योंकि फ्लू भी है थोड़ा सा, और वैसे भी नोज़िया जो है ना, डॉक्टर ने बताया कि नोज़िया आपके सर में है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए जो है ना आप अवॉइड करो, मतलब बगलम रेशा जो होता है ना वो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसीलिए जो है ना लाइट सा ही बनाती हूँ। नानी अम्मा कह रहे हैं कि चस्के वाले चावल ना बनाना, मतलब कि ज़्यादा स्पाइसी ना बनाना जो है ना, वो जब ठीक हो जाओगी तो फिर बनाना, सेहत से बढ़ के कोई नहीं। तो मैं कह रही हूँ जी ठीक है, नहीं करूँगी, मेरी तबीयत वैसे भी नहीं ठीक। और नानी अम्मा कह रहे थे कि मैं तुम्हें बना देती हूँ, मैंने सोचा कि नहीं मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना लेट ना नहीं होता मेरे से बीमारी में। और चावल जो है यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा गला के रख लिए थे, दाल चावल जो है ना, चना दाल और मूँग की दाल जो है ना वो मिक्स करके पहले मैंने गलने के लिए रख दिए थे, और जैसे वो हाफ गल चुकी थी तो उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए, और चावल जैसे ही डाले इसमें तो जो है ना फिर मैंने मसाला वगैरह बना के, गल चुके थे चावल बाद में मसाला वगैरह बनाया, और तबीयत ख़राब है तो बोला भी नहीं जा रहा थोड़ा सा, तो मैंने जो है ना इस तरह से खिचड़ी बना ली, और सही से मैंने इसको गला के लाइट सा बनाया है, तो जो ताकि जो है ना ताकि ये हज़म भी हो जाए। और डॉक्टर ने बोला था कि वामिटिंग है ना, तो आपने लाइट ही खाना है, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाना, मतलब ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो डाला है, और मैंने थोड़ी ज़्यादा बना लिया ताकि जो है ना कल भी सुबह टाइम जो है ना नाश्ते में यही ट्राई कर लूँगी, यही ले लूँगी। अब तो एक दो दिन तो मुझे कुछ ऐसा लाइट ही खाना पड़ेगा, और मुझे धनिया डालने का याद नहीं रहा था, और मैंने इसको ना दम यहाँ पर लगा दिया था, इससे पता चल रहा है ना कि आपकी बाजी की तबीयत आज ख़राब है। तो खैर जी ठीक हो जाएगा, अब मैंने जर्सियाँ वगैरह पहनी हुई हैं और अपना पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। तो जी खिचड़ी मेरी रेडी हो गई है यहाँ पर, और मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।